आप 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए, तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी, ऐसा ही होता था ना, जरा बताइए ना। चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर लें, चाहे जितने भी बटन दबा लें, असर कुछ होता ही नहीं था, बराबर है ना। और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। ये भी बेहद अच्छा है कि स्टार्टअप को मेंटर और एनकरेज करने के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने एस्पायर प्रोग्राम की शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि आपका ये कदम भारत के युवाओं की बहुत मदद करेगा। लेकिन साथियों, इस पड़ाव पर हमें यह भी याद रखना होगा कि हम कितना दूर आए हैं और इतना दूर किन परिस्थितियों के बाद आए हैं। आप 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए, तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी, ऐसा ही होता था ना, जरा बताइए ना। चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर लें, चाहे जितने भी बटन दबा लें, असर कुछ होता ही नहीं था, बराबर है ना। और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का, या कहें या तब की सरकार ही, हैंग हो गए वाले मोड में थी। और हालत तो इतना बिगड़ चुका था, रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था। बैटरी चार्ज करने से भी फायदा नहीं था, बैटरी बदलने से भी फायदा नहीं था। 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस बदलाव से क्या हुआ वो भी साफ दिखता है। उस समय हम मोबाइल फोन्स के इंपोर्टर थे, आज हम मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर है। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.